ज्योति कितने केस है? तीन गाड़ी, एक गाड़ी अंदर गई है, ये तीन है अभी जाना है आगे चौथे के लिए। हाँ। ये कहाँ से है? सर जिसका फ्रंट लाइट में पूरी तरीके से मुड़ा हुआ था। ये ठाकुर द्वारा से खुद लाए हैं। हाँ जी, ये प्रतिभा ने भिजवाया है नगरी से, जिसके हुफ में इंजरी है जो काफी टाइम से बात चल रही थी। ये दूर का केस है, दूर के केसेस को मैं यही कहते भाई अगर आप ला सकते हो तो ले आओ। और हमारी गाड़ी जो अंदर गई है वो कहाँ से लेके आए हैं? हार्ड चकिया से, और वो केस है एक्सीडेंटल गलती डाल दी है गाड़ी वाले ने, इसको ना टक्कर मार दी है। ये बांसवास का सेटअप आपने करा था? हाँ हमने किया था कल। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए जी। ये नीचे था, ये बांसों के बीच। अच्छा, आपने यहाँ पे लेके आया? यहाँ हम लेकर आए इसको। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नहीं ले जाते? नहीं, हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल से ये डॉक्टर आए तो हैं। नहीं मतलब जानवर वहाँ पे नहीं रखते क्या? नहीं, वहाँ पे है नहीं ना रखने का जगह नहीं है। इसका फिलहाल तो हमने इसको एंटीबायोटिक्स से जस्ट फर्स्ट एड दी है, बट अब यही है कि बड़े टाइम से बारिश हो रही है आपको मालूम है, तो बेटर है कि अगर ये किसी सेफ साइड हो जाए ताकि केयर हो जाए 24/7 इसकी। वैसे आप कहाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह? हाँ, जो लंच है ना वहाँ पे मेरी पोस्ट है। अब इसको डिले करेंगे ना तो इन्फेक्शन से मर जाएगा ये। थैंक यू मैम, हमारे आने तक आपने कर लिया था ना ट्रीटमेंट? नहीं तो उसको मैगेट्स लग जाते तो फिर तो बहुत बुरा हाल था उसका। हम भी वही डर रहे थे क्योंकि गीला है ना यहाँ पे, सब गीला है, बारिश हो रही है क्या। पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। ये क्या हो रखा है? ये ठीक है, प्रोलैप्स की शुरुआत। ये वो है जिसका शायद स्पाइन टूटा हुआ बताया गया, डाउन बुक ना? हाँ ये भैया फ्रैक्चर है। ये तो एंड ऑफ लाइफ कह रहे हैं। संजय भैया कह रहे हैं भूसे का पूरा नहीं, आधा ट्रक खत्म हो गया। भूसा तो यहाँ का खत्म हो गया, तो हमने वहाँ से भिजवाया क्लिनिक से। अब यहाँ और वहाँ से ज्योति का क्या तात्पर्य है, मैं नए दर्शकों को थोड़ा संदर्भ दे देता हूँ। वहाँ यानी कि हमारा क्लिनिक जहाँ पे हम सालों से उपचार करते आ रहे हैं, और यहाँ जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन एनिमल हॉस्पिटल है जो हम 1 सितंबर तक कार्यरत करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेस मैंने काफ़ी, बाकी एग्जामिन करके देखते हैं क्या टेम्परेचर आया है इसका। डायरेक्टली पानी नहीं डलवा सकते अभी? पानी डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। आज चाहे एक के बाद एक दर्दनाक केसेस आ रहे थे, इन सब में एक बात अच्छी थी कि हर जगह लोग घायल पशु को लेके बहुत कंसर्न थे। पर इसी स्थिति में यदि उन्हें पता ना हो कि वो क्या कर सकते हैं, किसे कॉल कर सकते हैं, तो उनका यही कंसर्न उन्हें इतना मायूस कर देता है कि वो पत्थर दे लोग के आगे से मुंह मोड़ना सीख जाते हैं। ये हमारे मतलब एरिया में ना काफ़ी टाइम से, जब थोड़ा छोटा था तब से इसकी लग टूटी हुई थी, तो फिर अभी इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने वगैरह में, तो फिर हम इसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए। बचपन से उसका लेग टूटा है? हाँ, काफ़ी छोटा जब काफ था लाइक, तो उस टाइम तो उसकी ट्रीटमेंट किसने करी थी? उस टाइम नहीं हो पाई ना उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो जैसे बड़ा होता गया ना, फिर उसका वो पैंट बैंड होता गया, और फिर वो तो आई होप मतलब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर हमारे पास एक्चुअली जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा क्लिनिक भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, जबकि दोनों में से सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए। इवन क्लिनिक में भी बाहर बछड़े रह रहे हैं, और हमारा एक पेशेंट पीछे रेसिडेंट काउच में भी रह रहा है। ये बचेगा? नहीं, ये तो नहीं बचेगा, और वही जितना दिन इसको रखोगे उतनी सफरिंग इसकी स्ट्रेच करेगी। तो ब्लोटेड है, 3 दिन से ये इस हालत में, और ये आज चौथा दिन है इसका। स्पाइनल इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से रिकवरी का होना, प्रोग्नोसिस पुअर लग रही है। इसकी स्पाइन को चेक करने के लिए डॉक्टर तरन ने इसके शरीर के निचले भाग में जगह जगह पिंच किया, पर कहीं पे भी पिंच करने पे उसने कोई हरकत दिखाई नहीं। इसका मतलब इसका क्या, स्पाइन टूटा हुआ है, ब्रोक हुआ है? स्पाइनल इंजरी तो है, यहाँ से भी टूटता है, इसकी सैंगन ऐसे आती है। हाँ हाँ ये, हाँ ये चीज़ है, टूटी है स्पाइन, ऐसे हो रखा है, कर्व बन गया वहाँ पे। हाँ होनी है जी, सही है, ऐसे हो रखे हैं। इस बैल को बचाना नामुमकिन था, और ये बहुत दर्द में भी था, पर एक डॉक्टर के लिए भी यूथनेजिया का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। और फिर हमें ये भी सोचना होता है कि क्या लोग समझेंगे कि हमने ये फैसला इसकी भलाई के लिए लिया,
पर इस समय तो हमारे पास ये सब सोचने विचारने का समय नहीं था। हम तीसरा रेस्क्यू गाड़ी से उतारते, उससे पहले तो हमें चौथे रेस्क्यू के लिए कॉल आ गई। गाड़ी भेज रहे ना, बांध दो यार, बैठा तो हुआ लेकिन वही तकलीफ होती है ना, कोई देखने वाला नहीं होता, और किसी को बोल देना ना, हम आ जाते हैं अभी ना। क्या हुआ क्या आंटी जी, पता नहीं किसी ने सर मारा उसको। कब? कल सुबह रखी जैसे आइए ना। पट्टी किसने करी है? पट्टी यहाँ पर डॉक्टर है ना, इसने कर दी थी। वो पूरा इलाज नहीं कर रहे? नहीं इलाज नहीं करते, छोटा सा बच्चा ये कल का जान खा रहा है, घास नहीं खा रहा, अभी भी बोल रही है कि घास डालो इसको। किसी बड़ी गाड़ी वाले ने हिट करा था इसको? पता नहीं सर, कुछ ले कोई आइडिया नहीं है। हो जाएगा ठीक है, फिर यहाँ ही आएगा। हाँ फिर यहाँ पे छोड़ जाएंगे ये। बाय क्योंकि ये बोन निकली हुई थी यहाँ से बाहर, ये निकली है बोन। तो ये टूट ही गया पैर? हाँ यहाँ से टूट गया है, ये देखो, ये देखो, ये जहाँ पे मेरा ये हाथ है ना, ये देखो, ये दो हैं, दो फ्रैक्चर है ना। फ्रैक्चर में वो प्लास्टर क्यों नहीं करवा रहे? प्लास्टर भी कर सकते हैं, पर दिक्कत ये है ना, यहाँ पे एक ओपन वोंड भी है, तो मौसम भी ऐसा है तो मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके RGB करेंगे दोबारा से, ये स्पेशल फ्रैक्चर के लिए करी जाती है, टाइट बैंडेजिंग करी जाती है ताकि एकदम जो जहाँ पे टूटा वो एकदम होल्ड हो सके वहाँ पे। अभी इसका हम क्या करेंगे, रीपोजिशनिंग करेंगे हड्डी को, कोशिश करेंगे उसकी जहाँ से टूटी है उसको उसकी जगह पे लाएं, फिर वहाँ पे बैंडेजिंग कर दें, साथ में स्टेंटिंग भी कर दें। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस बच्चा बस 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 ओके, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब हमने ग्लव्स क्यों बांधा? ताकि थोड़ा कॉन्टैक्ट गीला ना हो नीचे वाले, तो हम शूज पहनवा देते, अगर शूज लग नहीं रहे ना इस पे। बेबी आज फाइनली अपने घर वापस जाएगी, हम इसे रिलीज कर रहे हैं। इसकी एम्पिटेशन सर्जरी हुई थी क्योंकि जो इंजरी थी एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से, हैंड लग बुरी तरीके से डैमेज था, ओपन फ्रैक्चर्स थे और बहुत सीवियर वूंड था, सब कुछ अच्छे से हो गया। और इसकी स्प्रे तो जब ये पहली बार रेस्क्यू हुई थी तभी हमने कर दी थी, तो अभी सब ठीक है, अब वापस जाएंगे। साफ सुथरी तो है ना? ये भी और इसका घाव भी। इसने परेशान करा हमें? जीरो जीरो परेशान। देखिए हम तो इनको सड़क से लाते हैं, इनको ठीक करते हैं और वहीं पे वापस छोड़ आते हैं, पर सड़क पे इनके वली वारिस सिर्फ आप हैं। बाबे कहाँ जा रही है चंदा? बाहर लिखा शेड पीछे वाले। हाँ। अच्छा क्यों? आहट आ रही अंदर। ओ अच्छा, आहट को वापस ला रहे हैं? हाँ। ये वही है ना जिसको प्रोलैप्स निकला हुआ था? हाँ। अब तो नहीं आता इसका बाहर? नहीं। सही हो गई बच्ची, अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको ले जाएंगे हम अंदर। आहट को? हाँ। ले जा रहे हो? यस। बोल रहे यहाँ पे उदास होगी यार भाई। उदास नहीं, उसको मोटी करने जाने वाले थे हम तो। क्या करने? मोटा। अच्छा। हाँ। जैसे आप हो? इसको मैं बहुत अच्छी फीड देता हूँ और खाना भी देता हूँ और अच्छा हरा घास देता हूँ, काफी देखो पहले से कितना बदल गई है। हाँ हेल्दी हो गई है पहले से थोड़ी सी। बाय बाय चंदा। ये इसका फोड़ा, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। टोफू तेरे दोस्त जा रही है, वेलकम बैक। समझ भैया, हमने ये भूसा मंगाया नया? हाँ जी भैया। तो अभी तो मंगाया था कुछ टाइम पहले? वो तो वहाँ के गाय के लिए मंगाया ना। अच्छा। तो ये हॉस्पिटल की गाय नई स्टार्ट हो गई। अच्छा। 20 गायें आ गई हैं यहाँ पे, तो वो वाला भूसा तो उन्होंने 10-12 दिन में ख़त्म कर दिया। तो ये कितने रुपए किलो टन पड़ता है हमें? ये 60,000 का ट्रक दिया इसने। तो ये एक ट्रक तो नहीं भर पाएगा ऊपर? ना ना, एक यहाँ तो ऊपर तो कई आएंगे, फिलहाल अभी एक ही ट्रक मंगाया हमने। ये हमारे जो नए वाले हॉस्पिटल का काउ शेड है, ये उसके ऊपर की छत है और इस पूरी जगह में भूसा आना है, अभी सिर्फ हमने कोनों में भर रखा है। झिलमिल का वॉट लाइगेट किया है हमने, तो वो भी टाइट से वहाँ पर सूचर बांधा गया है ना, जिससे वो खुद ब खुद कुछ दिन में झड़ जाएगा। हाँ मेरे बेटा, मेरा बच्चा, ये हाँ मेरी लड़की, हो गया ये देखो, हो गया भाई हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। किसको पकड़ रहे अपन? चिंगारी को। क्यों? गाड़ी को चोट है ना, कि इसका स्वेलिंग थी वो फट गई हुई है। चिंगड़ू, बारिश लग पड़ी है तो इसका ट्रीटमेंट हम अंदर करते हैं, शेड के अंदर ही वाले। एक बार एनएस से साफ करेंगे, मेट्रोजल से फ्लश कर देंगे, तो एक बार लोरेक्सिन की ऑइंटमेंट अप्लाई कर देंगे ऊपर से, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उठ जा मोटे, उठ जा।
ये पूरा गिल्ला हो गया है। बॉडी शेम मत करो उसको, आपने उसके साथ ऐसी हरकतें करनी है तो कम से कम आप उसके साथ नाइस तो रह सकते हो। अब मैं और अगर ये काट नहीं लेता, अगर मैं कुछ भी नहीं करता वो, देखो देखो ये काटने वाला डॉग लग रहा है आपको। चंबी को रखा है टिक फीवर, मैं ले गया था वॉक पे। अरे तो बारिश होगी रास्ते में, मैं क्या करूँ। 8:30 बजे जा रहे हैं तो बारिश ही होगी, बारिश का कोई स्केड्यूल थोड़ा है भाई, हिमाचल है। हाँ तो क्या है, यहाँ क्या होता है, 8 बजे सुबह बारिश होती है, सुबह 6 बजे नहीं होती, कभी भी हो सकती है।